का तो संघर्ष निरंतर जारी है, अब लाल सिंह चड्ढा के बाद पठान की बारी है। पठान मूवी को पहले बात तो कोई भी हिंदू या कोई भी जो इस रिलीजन को फॉलो करता है सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक और मैं अभी यहां पे गांधी मैदान आया हुआ था जहां पे लगातार हर शनिवार को रोटी बैंक का आयोजन किया जाता है। और हमारे साथ अभी रोटी बैंक के सभी श्रीराम सेना के कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं और साथ में साथ हृदय सम्राट हिंदू यशराज सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। यशराज सिंह जी काफ़ी अपने बेबाक बयान के लिए भी जाने जाते हैं, तो आइए इनसे एक जो अभी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा चल रहा है पठान के बारे में बात करते हैं। तो आपको कुछ पता चला अभी पठान में क्या कुछ चेंजेस होने वाले? हाँ, सेंसर बोर्ड का तो पता चला है कि उस पर कुछ सीन्स को जो है वो कट किया जाएगा, लेकिन सीन्स मतलब गाने कट किए जाएंगे, सीन्स कट के क्या? हमको तो जानकारी है कि कुछ सीन कट किया जाएगा। और अभी आज जो खबर आ रही थी उसमें बताया गया है, सेंसर बोर्ड को भी बता दिया गया है कि उसमें से सीन्स कट किए जाएँ, नाम भी हो सके तो बदला जाए, इस पर आपकी क्या राय है? वो तो उनका मामला है, बिल्कुल होना चाहिए। पठान नाम आपको सही लगता है? पठान नाम, देखिए पठान तो नाम ही सही नहीं है, लेकिन अब नाम रखा है तो उससे हम लोग को लेना देना है नहीं। हमारा है कि हमारे चीज़ों पर, हमारे देश के संस्कृति पर जो भावना पर ठेस पहुंचेगा, तो हमारा काम है कि उसका विरोध करना और उनके बारे में आवाज़ उठाना कि हाँ ये चीज़ गलत है, बस ये हम लोग का मामला है। और वो जो चीज़ को लोग फॉलो नहीं करेंगे उनका हम लोग विरोध करेंगे, ये पॉलिसी है। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि आगे थोड़ा सा आएँ। क्या लगता है पठान में कुछ चेंजेस होने वाले हैं? देखिए क्या होता है, बाद बाकी हम लोग का तो संघर्ष निरंतर जारी है, अब लाल सिंह चड्ढा के बाद पठान की बारी है। अब क्या अगर नहीं चेंज किया गया तो क्या कर? चेंज हो या ना, हम लोग तो मन बना लिए हैं कि बाइकॉट करेंगे, मतलब करेंगे। बाइकॉट करने के बाद भी 100 मिलियन गाना पार हो चुका है जिसमें भगवा पहनी हुई थी, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ बाइकॉट का फिर? अरे 100 मिलियन होवे ना दीजिए, वो तो हिंदू लोग देख रहा था कि इसका क्या। अभी उसको हटा भी दिया जाए गाना, तो गाना तो अपना काम कर चुकी ना। देखिए मैटर गाना का नहीं है, मैटर फिल्म का है। जब इतना ही था तो अमेज़न को क्यों बेच दिया पठान? अमेज़न को क्यों बेच दिया पठान, यही बात है। उनको कमाई का आंकड़ा बड़ा सिक्योर थे वो कि हम बहुत बढ़िया कमाई करेंगे, तो अमेज़न को OTT पे बेचना ही नहीं चाहिए था इनको अपना मूवी। इनको कहीं ना कहीं डर था। न्यूज़ तो ये भी आ रही है कि जनवरी में पूरी टिकट बिक गई, तो जनवरी वाले को अब हम लोग इंडिया का थोड़ी मानेंगे, वहाँ देख रहे हैं ना, वो भारत देश में थोड़ी चल रहा है, ढेर जगह विरोध हो रहा है। हम लोग भी यहाँ करेंगे, आप लोग को भी कुछ दिन में दिखेगा ही दिखेगा। और तो मतलब पठान पे पुरजोर विरोध करेंगे आप लोग, ये तय है? बिल्कुल, हमारा पठान से मामला नहीं, हमारे देश के संस्कृति में भविष्य में जो भी विडंबना आएगा, चाहे वो फिल्म के माध्यम से हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनका विरोध करना हमारा काम है, उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाना और लोगों को जागरूक करना कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। चूँकि पहले आवाज़ नहीं उठता था, अब ढेर सारे जगहों से आवाज़ उठने लगा है, तो ये ताकत जो है हम लोग पूरे देश में एक दूसरे को बताएं और दिखाएं। और हम लोग ये भी बताएं इस माध्यम से कि कोई भी देश विरोधी चीज़ें जो अंतर्गत हमारे संस्कृति को ठेस पहुँचाए उसका विरोध होना चाहिए। आप किस तरह से पठान का विरोध कर रहे हैं? देखिए जनरली क्या बात है कि पठान मूवी को पहले बात तो कोई भी हिंदू या कोई भी जो इस रिलीजन को फॉलो करता है सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, सीरियसली आप लोगों के माध्यम से हुआ जा रहा है। अब क्या है, हमारे कई भाई बंधु जो हैं इस चीज़ को देखना ही पसंद नहीं करते हैं, वो क्या करेंगे, बायकॉट कर देंगे। और यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है, एक ही चीज़ को मीडिया हो या छोटे मोटे रिपोर्टर्स हो उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दें, वो उनके भरोसे और भी ज़्यादा ऊपर जा रहा है। आप तमाम लोगों से ये भी बोला जाएगा कि हम लोग अपने इंड से तो वर्क कर ही रहे हैं, आप लोग अपने इंड से क्या कीजिए, इसको क्या कहते हैं, किसी बात पे मट्टी देना। हम लोग विरोध का भी तो प्रचार कर रहे हैं, जैसे विरोध जो कर प्रचार के माध्यम से क्या होता है, उनका पब्लिसिटी और हो रहा है। नहीं, जैसे विरोध आप किए, आपकी वीडियो जाएगी तो आपको देख के भी कई सारे लोग विरोध करने के लिए उतर सकते हैं। अभी जो अंदर पैक होंगे, जो फेसबुक पे विरोध कर रहे होंगे, वो भी आगे आ सकते हैं ना, तो ये भी तो एक फ़ायदा हुआ। जनरली अभी आपने हमारे एक भाई जी से बात किया कि 100 मिलियन पे ऊपर चला गया व्यू, तो अभी हम दोनों के बीच में बात हो रही है, तो अब जिनको पता ये नहीं है ये चीज़, वो ब्राउज़ करेंगे उस चीज़ को, वो पहुँचेंगी वहाँ पर। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, ये बायकॉट जब होने लगा इसको कम्प्लीटली बायकॉट ही किया जाए, ये नहीं कि उस वीडियो को जाके देखा जाए। और कहीं ना कहीं ये यही टेलीकास्ट के ड्यूरिंग ही हो रहा है कि आप बता रहे हैं इस चीज़ को आप पब्लिकली डालेंगे और फिर हमारे कुछ भाई बंधु उसको जाके सर्च करेंगे, तो और मिलियंस बढ़ रहा है। बलराम चंद्र के जय, नमः पार्वती पते नमः, हर हर महादेव।